दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में ये 36 किलोमीटर की लंबी दीवार सिर्फ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। इसी जगह पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये पहले रूम हुआ करते थे, इनमें रख के मसाले जलाई जाती थी। ये पहले रसोई घर हुआ करता था। शायद ये सुरंग है जो बाहर की तरफ निकल रही है सुरंग। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और मैं हूँ फिलहाल भी कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है और महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके निर्माण कराने वाले थे महाराणा कुंभा, 600 साल पहले इस किले का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा मेवाड़ के एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट का निर्माण करवाया था, जिनमें से मुख्य ये है कुंभलगढ़ किला, जिसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह किला किसी दुश्मन के कब्जे में नहीं रहा। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण 1443 से 1458 यानी 15 साल में बनवाकर तैयार करवाया था। इस सैनिकों का वॉच टावर हुआ करता था, आने वाले दुश्मनों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर खड़े रहते थे। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में ये 36 किलोमीटर की लंबी दीवार सिर्फ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है, जो कि फोर्ट से इस हिस्से से शुरू होती है और लगभग छोटे मोटे 13 माउंटेन को क्रॉस करने के बाद बैक साइड से कनेक्ट होती है, और इस बॉल की जो चौड़ाई है लगभग 15 फीट की है, जिस पर उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजिली वॉक किया करते थे इस पूरी बॉल को गाइड करने के लिए। ये जो सामने आपको गेट नजर आ रहा है, इसका नाम है भैरव फॉल। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, इस फोर्ट में टोटल 9 दरवाजे हैं। जब महाराणा कुंभा 1443 में यहाँ आए और जब पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, इसके आर्किटेक्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही इस पूरे किले का निर्माण करवाया था। जब महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते थे दिन में, और रात में अपने आप गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ तो महाराणा चिंतित हुए, ये दीवारें अपने आप गिर कैसे रही हैं। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो बताया कि इन पहाड़ों में एक मेड़ बाबा रहते हैं, जिनका नाम था भैरव मुनि, पहाड़ों के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी गए मुनि के पास, तो उनसे पूछा कि इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इसकी दीवारें अपने आप बार बार गिर रही हैं। तो भैरव मुनि ने बताया कि इन पहाड़ियों पर एक देवी जी का प्रकोप है, जिसके कारण यहाँ किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा ने पूछा, मुनि कोई तो उपाय होगा जिससे किले का निर्माण किया जा सके। भैरव मुनि ने बताया, इसका एक ही उपाय है, स्वैच्छिक नरवली। स्वैच्छिक नरवली दी जाएगी जब भी जाकर किले का निर्माण हो पाएगा। उस समय ऐसा व्यक्ति कोई तैयार नहीं हुआ जो अपनी इच्छा से अपना बलिदान दे सके। तो उस दरमियान भैरव मुनि जी, जिन्होंने सजेशन दिया था, वो खुद इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा तो सर्वप्रथम जहाँ रुकूंगा वहाँ किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहाँ किले का निर्माण किया जाए। तो भैरव मुनि ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया, इसी हिसाब से गेट बनते गए, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर रुके जहाँ अभी भैरव गेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया। ये भैरव जी का स्थान है, यहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया है। सर कटने के बाद में यहाँ बिना सर के महात्मा जी ऊपर तक चले थे, और वो जगह भी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ महात्मा जी का धड़ गिरा था। और सर कटने के बाद में उनकी बॉडी क्लाइम करती हुई 700 मीटर गई और ऊपर जाकर बॉडी गिरी, और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया, जिसको कहा जाता है कटारगढ़। चलो आगे बढ़ते हैं। इस गेट का नाम है नींबू पॉल, जो कि 7 नंबर का गेट है। जब 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, उस घमासान युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। जब उस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप इसी कुंभलगढ़ फोर्ट में आकर रुके थे, जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में रुके हुए हैं, तो उन्होंने अपने नए सेनापति शाबाज खान को भेजा इस किले पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। शाबाज खान इन पहाड़ों में आकर खो चुका था, इस किले का रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान लोकल लोग इस फोर्ट पर आया जाया करते थे, तो शाबाज खान ने 3 महिलाओं को, यानी मालिनी महिलाएं हुआ करती थी, उनको बंदी बना लिया और रास्ता पूछ लिया। शाबाज खान अरेड पॉल और हल्ला पॉल को जीत करके हल्ला पॉल के पास उन्होंने अपनी सेना के लिए पानी की व्यवस्था भी की थी, जिसको आज भी बादशाही बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बादशाही बावड़ी है।
इस सामने वाली पहाड़ी पर शाहबाज खान अपनी सेना और तोप गोले लेकर पहुंच गया था और यहां से इस फोर्ट पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कुछ निशान इस नींबू पोल के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब महाराणा प्रताप को पता चला शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया है तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिलेर के जंगल में युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के बीच सन 1582 में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने शाहबाज खान को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त की। उस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। सी लेवल से इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट पर यह फोर्ट बना हुआ है। इतनी हाइट होने के बाद में भी इस फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि फोर्ट 20-30 किलोमीटर की रेडियस में कहीं से भी दिखाई नहीं देता। ये इसलिए ताकि दुश्मनों से यह किला छुपा रहे। आपको सडनली 200 मीटर पर आते ही अचानक से आपको यह फोर्ट अफेयर होगा। इससे पहले तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि फोर्ट कहाँ पर है। तो ये आर्किटेक्ट मंडन का कमाल था कि इस तरीके से एक पहाड़ी का चुनाव करके और इस फोर्ट को डिजाइन किया गया है महाराणा कुंभा की देखरेख में। ये किले का अपर कोटा बोला जाता है इसको, यानी सुरक्षा दीवार। जब भी कोई आक्रमण होता था या आशंका होती थी, सैनिक इसी दीवार से होते हुए नीचे किले के मुख्य द्वार पर पहुंच जाया करते थे। आइए अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यह है 8 नंबर का गेट जिसको चौगान पोल कहा जाता है। चौगान का मतलब होता है फ्लैट एरिया, यानी समतल क्षेत्र। इस गेट के ऊपर आप देखेंगे तीखे और नुकीले अंकुश लगे हुए हैं ताकि दुश्मन इस गेट को हाथियों द्वारा तोड़ ना सके। यहाँ महाराणा के हाथी आया करते थे और ऊपर सिर्फ केवल घोड़े जाया करते थे। और दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का तोपखाना। 15 सेंचुरी में जब फोर्ट बनवाया गया था तो इंडिया में तोप नहीं हुआ करती थी। वहां पर जो तोपें रखी गई हैं वो 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई हैं। ये बहुत थोड़ी सी तोपें रखी हुई हैं। उदयपुर का जो राज परिवार है वो सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर रहता है और आप देखेंगे सिटी पैलेस के गेट पर भी कुछ तोपों को रखा गया है। जैसा मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ घोड़े आया करते थे तो ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। उस जमाने का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। ये बरसात का जितना भी पानी हुआ करता था इस जगह से पानी फिल्टर किया जाता था और यहाँ पानी पीने के लिए एकत्रित किया जाता था बरसात का पानी फिल्टर करके। और ऊपर आप देखेंगे वो है पागड़ा पोल। महाराणा उदय सिंह का बचपन भी यहीं बीता था। जब महाराणा सांगा की फैमिली की हत्या की जा रही थी बनवीर द्वारा चित्तौड़गढ़ में, तब महाबलिदानी पन्ना झा ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को यहीं रखा था। यही उनका लालन पालन हुआ। आपको ये छोटे छोटे बैरिक नजर आ रहे हैं, ये घोड़े बांधने का अस्तबल हुआ करता था। और ऊपर जो छत है उसका भी रिनोग्रेशन करा के नया करवा दिया गया है और इनके गेट को भी नया बनवाया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुंभा महल। ये सैनिकों के छोटे छोटे बैरिक बना दिए जाते थे। ये देखो आप, ये जो सामने आपको जो पार्ट नजर आ रहा है ये लिविंग सेक्शन हुआ करता था महाराणा कुंभा के समय में। ये ऊपर छत नई लगाई गई है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ कुंभा महल में। ये वाला पार्ट पूरा खंडर हो चुका है, टूट चुका है। डबल स्टोरी हुआ करता था जिसके अंदर एक नवदुर्गा माता टेम्पल की स्थापना महाराणा कुंभा द्वारा की गई थी। एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। यहीं पर बैठकर महाराणा कुंभा संध्याकालीन पाठ किया करते थे। चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये समय के अभाव के कारण ये टूटा पड़ा है पूरा। अब मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। शायद ये सुरंग है, सुरंग को भी देखना चाहूंगा। हाँ ये सुरंग जा रही है, ये बाहर की तरफ निकल रही है सुरंग। ये देखिए आप, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ ऐसे छोटे छोटे बैरक बना रखे हैं। ये देखिए, ये शायद उसी जमाने के हैं, पुराने लकड़ी के गेट। यहाँ से भी खिड़की बना रखी है, यहाँ से आप मंदिर वगैरह का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, इस किले का बैक साइड एरिया है और यहाँ से आप फोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ मंदिर बने हैं। कुंभलगढ़ किले के परिसर में 360 मंदिर बने हुए हैं जिसमें से 300 जैन टेम्पल हैं
और 60 हिंदू टेम्पल है। अच्छा दोस्तों, कुछ टेम्पल कुंभलगढ़ बसाने से पहले के हैं, 2nd सेंचुरी के हैं, जब सम्राट अशोक का शासन काल हुआ करता था, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस समय बौद्धिक धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंड सन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज, जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। उसी कालीन में कुछ टेम्पल यहाँ बनवाए गए थे। इस पूरे एरिया को कहा जाता है मच्छिंगढ़। 15th सेंचुरी में महाराणा कुंभ आए, बाद में इस फोर्ट का निर्माण कराया, इसलिए इस फोर्ट का नाम कुंभलगढ़ पड़ा। और दोस्तों मैं बता दूं, महाराणा कुंभा का असली नाम कुंभकर्ण हुआ करता था, उनका जन्म 1403 में हुआ था। यहाँ से आप देखेंगे ये भी पूरा टूटा पड़ा है, जैसे अलमारी बना रखी है ना, ताके बना रखी है, ये पहले रूम हुआ करते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण पूरी छत टूट गई है। जो चौगान पोल का रास्ता था, जो मैंने आपको तोपखाना वगैरह दिखाया, यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पानी के लिए बना रखा है। बरसात पड़ती है, पानी अगर स्टोर होता है नाली के माध्यम से सीधा नीचे पानी। चलिए आपको अब मैं लेके चलता हूँ, यहाँ बने रसोई घर दिखाता हूँ आपको। ये पहले रसोई घर हुआ करता था, सामान रखने के लिए यहाँ अलमारी बनाई गई है। पहले यहाँ खाना बनाया जाता था और चूल्हे रखे जाते थे इस जगह, ऐसे छोटे छोटे डस्टबिन वगैरह बना रखे हैं। ये भी रसोई घर हुआ करता था, इसमें भी छोटे छोटे अलमारी बना रखी हैं, ऊपर ताक बना रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का बना रखा है। तो ये वाला पार्ट दोनों किचन हुआ करता था। कई जगह आपको छोटे छोटे हॉल्स दिखाई देंगे, ये उस समय रात के टाइम इनमें रख के मसाले जलाई जाती थी। आइए अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये जो सामने गुंबद आपको दिखाई दे रही है, ये वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। इसी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। उनकी माता जी का नाम जयवंताबाई और उनके पिताजी का नाम उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया था। ये देखिए मैं अंदर से दिखा देता हूँ, हालांकि इसको फिलहाल अभी बंद कर रखा है। ये है बादल महल। चलिए आपको अब मैं लेके चलता हूँ बादल महल की ओर। ये बादल महल का निर्माण महाराणा कुंभा के बाद में हुआ है, इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। ये है लेडी सेक्शन यानी कि जनाना पार्ट, 19 सेंचुरी में पूरा नया बनवाया गया था, जिसके अंदर 300 कमरे बनाए गए थे। जिन महात्मा जी की स्टोरी मैंने पहले आपको बताई थी, उनका सर कटा, वहाँ भैरव फॉल बनाया गया, यहाँ उनका धड़ गिरा था और यहाँ पर उनको एक मंदिर स्थापित किया गया है। ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, इस किले का टॉप हुआ करता था और इसमें उस समय 25 किलो कॉटन और 50 किलो देसी घी डाल करके महाराणा कुंभा मसाल जलाया करते थे कभी कभी, ताकि रात के समय किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। और वो मसाल यहाँ से जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है वहाँ से विजिबिलिटी हुआ करती, जो कि बाई रोड यहाँ से 200 किलोमीटर है। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, ये त्रिपोलिया गेट, इनमें बनाए गए रूमों को रानियाँ इस्तेमाल में लिया करती थी। और जगह जगह आपको देखने मिलेगी यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग। इस महल के अंदर जो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये उसी समय की है, यानी 600 साल पुरानी पेंटिंग है। और आप देख सकते हैं कलर इसका निकला नहीं है, क्योंकि ये कलर से नहीं, सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ठंडी हवा आने के लिए झरोखे बनाए गए थे। बादल महल के टॉप पर लेके चलता हूँ। अब फोर्ट के हम 370,000 फीट पर खड़े हुए हैं हम सी लेवल से। ये पीछे की तरफ बैक साइड में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 2.5 घंटे की सफारी जंगल में की जाती है। इसके अंदर आपको शेर, चीते, गीदड़ और भी बहुत सारे जंगली जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको बोला जाता है बेदी कॉम्प्लेक्स। और इसको कहा जाता है कुंभ श्याम मंदिर, जिसको नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1458 में करवाया था और ये 26 खंभों पर टिका हुआ बहुत ही शानदार 5.5 फीट शिवलिंग वाला एक महादेव का मंदिर है, जिसको नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये
ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये जैन धर्म के मंदिर हैं, जिनमें से 70 मंदिर आज भी मौजूद हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जैन मंदिर हैं, इनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है अभी, ये खाली पड़े हुए हैं। मेवाड़ जगत के अंदर एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई थी महाराणा कुंभा के साथ में, उनके बड़े बेटे ने, यानी उनका नाम था गुदा, महाराणा कुंभा पाठ पूजा कर रहे थे, ध्यान में थे, तब पीछे से आकर महाराणा कुंभा के बड़े बेटे ने उनकी तलवार से हत्या कर दी। और सत्ता के लालच में आकर ही उसने घटना की थी, लेकिन सत्ता फिर भी नहीं मिली, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। आकाशीय बिजली गिरी और उदा की उसी समय मृत्यु हो गई। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जितनी रियासतें थीं वो सारी विलय यानी कि मर्ज हो चुकी थीं। उस दरमियान उदयपुर के महाराणा ने फोर्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया था। इसके अंदर जितनी भी बेशकीमती सामान थे उनको निकाल करके उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दिया गया था और फोर्ट खाली करके गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। अभी इस फोर्ट को ASI मेंटेन करता है, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो पूरा फोर्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी रजिस्टर्ड है।